सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल से ही लगातार दर्जनों फोन कॉल्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर तो सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या आज राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, कब मिलेगा, क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, इसको लेकर के सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं और दर्जनों फोन कॉल्स आ चुके हैं कल से। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं रजनीश जी, उन्होंने ट्विटर पर एक कविता ट्वीट की है अभिलाषा, और उसमें बता रहे हैं कि पूस में ही बादल छट जाएंगे, नए वर्ष में उल्लास मनाएंगे। तो इस कविता के बाद जो है अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया, लगता है सब कुछ फाइनल हो गया है और राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिलने वाला है। तो साथियों, मैंने पूर्व में भी बताया है कि राजकर्मी का जो दर्जा है वो मिलना तय है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तय है कि राजकर्मी का दर्जा मिलना ही मिलना है, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने भी अपने कई पत्रों में इस बात का उल्लेख किया है कि राजकर्मी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, प्रस्तावित है, प्रक्रियाधीन है, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो दो दो बार सार्वजनिक मंचों से इसकी घोषणा कर दी है, गांधी मैदान में 15 अगस्त को और फिर 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र बंटना था तब भी इस बात की घोषणा की कि राजकर्मी का दर्जा मिलना तय। एक मामूली सी परीक्षा की बात आई थी, बहुत लोगों ने उसका विरोध किया था और हमारे जैसे कुछ लोगों ने, और कुछ क्या मतलब अधिकांश लोगों ने समर्थन भी किया था कि हम परीक्षा देने के तैयार हैं। कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी जो हमने आपत्ति दर्ज भी कराई। एक नाम को लेकर के आपत्ति था कि राजकर्मी जब हम बनेंगे तो हमारा नाम अलग नहीं होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षक और अध्यापक दो अलग संवर्ग नहीं होना चाहिए, एक ही संवर्ग होना चाहिए। और इस बात को लेकर के हम लोग तो लगातार मांग करते ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 3 दिसंबर को भी इस बात को लेकर के बैठक की थी और इसकी सार्वजनिक घोषणा की थी कि हमको एक ही संवर्ग चाहिए, अलग अलग संवर्ग नहीं चाहिए। बीच में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के पास भी हम लोग गए थे, वहां पे भी इस तरह की बातें हुई हैं। तो संशय बना हुआ है अभी कि विशिष्ट रहेगा कि विशिष्ट हट जाएगा, एक ही कॉमन कैडर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है हमें कि हम लोगों का जो भी ग्रीवांस है उस पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। 3 बार परीक्षा नहीं देने पर जो हटाने का प्रावधान बन रहा था वो तो कानूनी रूप से संभव नहीं है, इसलिए उसको हटा ही दिया गया होगा। और जो अन्य सुविधाएं हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन था कि एनपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ट्रांसफर कहीं अदर जिले में तो नहीं हो जाएगा, इन सब मुद्दों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कल भी मैंने अपने ट्वीट में बताया था कि राजकर्मी सहित स्थानांतरण, छुट्टी, स्कूल का टाइमिंग, इन सभी मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विभाग की समीक्षा बैठक करनी है। उनके पास फाइल पड़ा हुआ है, उन्होंने अभी तक समीक्षा बैठक नहीं की है। वो समीक्षा बैठक करेंगे तभी यह तय हो पाएगा कि अंतिम रूप से नियमावली में क्या क्या रहेगा। जो स्थानांतरण को लेकर के अफवाह उड़ी थी कि 3 जिलों में भेज दिया जाएगा, अपने जिले से हटा दिया जाएगा, उस पर भी रुख क्लियर होगा। महिलाओं और दिव्यांगों की जो लंबे समय से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग रही है उसको लेकर के भी मामला साफ होगा। और इधर हाल के दिनों में जो छुट्टी और स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद उपजा है, इन सब पर भी एक क्लियर कट संदेश, एक क्लियर कट मैसेज जो है मुख्यमंत्री जी की ओर से आना बाकी है, क्योंकि राज्य के सर्वे सर्वा तो वही हैं। आज मंगलवार 19 तारीख है और आज तो मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा में दिल्ली गए हुए हैं, जहां INDIA की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, गठबंधन की, राष्ट्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं उनकी उसमें शामिल होंगे। तो आज तो कहीं से कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज तो कैबिनेट बैठक भी नहीं है और बैठक से पूर्व जो समीक्षा बैठक होती है वो भी नहीं हुई है, अंतिम प्रारूप अभी तय नहीं हुआ है। तो अटकलों के बाजार को थोड़ा विश्राम दीजिए, राजकर्मी मिलना तय है, किस दिन मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। कोई भी अगर बताने की चेष्टा कर रहे हैं तो एक अनुमान है। बीच में हम लोगों को एकदम पुष्ट खबर मिली थी कि नहीं, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, बिहार बोर्ड ने तैयारी कर ली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत बीच में खराब थी करीब 15-20 दिन,
तो इन सभी मामलों पे कुछ निर्णय नहीं लिया जा सका। वो फाइल सीएम साहब के चैम्बर में पड़ी रह गई है, अभी तक पड़ी हुई है, उसका अभी तक फाइनल उस पर डिसीजन नहीं हो पाया है। डिसीजन होगा जब फाइनल तो सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन कब होगा ये कहना मुश्किल है। हम उम्मीद कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक में हो जाए, 2023 में हम लोग अपना फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट देख लेंगे, राजकर्मी का दर्जा पर अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी। लेकिन किस दिन होगी, एग्जैक्टली किस दिन होगी, मंगलवार को होगी कि शुक्रवार को होगी कि अगले मंगलवार को होगी, ये कहना मुश्किल है। इस पर जो लोग भी अनुमान लगा रहे हैं तो केवल अनुमान है, सूत्रों के हवाले से भी जो खबर मिलती है उनकी विश्वसनीयता को लेकर के भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सूत्र जो होते हैं वो सचिवालय स्तर के सूत्र होते हैं, लेकिन अब जो डिसीजन पेंडिंग है वो माननीय सीएम साहब के स्तर से पेंडिंग है। तो ऐसे में किसी भी सूत्र की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं हम लोग दे सकते, क्योंकि बताया ना, हम लोग को नवंबर में जानकारी मिली थी एकदम फाइनल है, सब कुछ हो गया, चला गया है, बस मुख्यमंत्री जी ओके करेंगे और मिल जाएगा राजकर्मी, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बात वहीं फिर से फंस गई थी कि सीएम साहब ने ओके नहीं किया है, और अभी भी मामला वहीं फंसा हुआ है कि सीएम साहब ने ओके नहीं किया। तो सीएम साहब जैसे ही उस फाइल को ओके करेंगे तो राजकर्मी की घोषणा हो जाएगी, और हम लोगों को जहां तक खबर है कि सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, एनपीएस मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, ये सब सुविधाएं जो कि विद्यालय अध्यापकों को मिल रहे हैं वो सब हमें मिलेगा। हाँ, पे प्रोटेक्शन को लेकर के अभी कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हुआ है, वो अंतिम नियमावली का प्रारूप आएगा उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि पे प्रोटेक्शन को लेकर के क्या बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि सारा कुछ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वो अंतिम निर्णय लेंगे, तब जाकर के इस पर मामला सारा फाइनल होगा। अभी फिलहाल कम से कम आज की स्थिति और अगले 2-3 दिन की स्थिति यह है कि अभी घोषणा नहीं होने वाली है, क्योंकि घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली से वो लौटेंगे उसके बाद ही घोषणा हो पाएगी। सक्षमता परीक्षा होगी, कब होगी, कौन लेंगे, क्या प्रारूप होगा, इस पर भी जो है कि अंतिम निर्णय समीक्षा बैठक के बाद ही होगी। छुट्टियों की लिस्ट को लेकर के, स्कूल की टाइमिंग को लेकर के, ये सब निर्णय जो है समीक्षा बैठक के बाद होगी। और समीक्षा बैठक कब होगी, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था, ये सिर्फ सीएम साहब बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को समीक्षा बैठक करनी है, तो वो जिस दिन फुर्सत में होंगे वो समीक्षा बैठक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य रखिए, इतने दिन धैर्य बनाए हुए ही हैं तो और थोड़ा दिन धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली कि किस दिन क्या होगा, कोई नहीं बता सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही सिंगल पर्सन हैं जो ये बता सकते हैं, और बाकी जितने सूत्र हैं सब अनुमान है, उम्मीद हम लोग को भी है कि 2023 में ही हम लोग अंतिम प्रारूप देख लेंगे, नए साल में खुशियां मनाएंगे, पूस में बादल छंट जाएंगे, वो हम लोगों की भी अभिलाषा है, लेकिन अभी अभिलाषा है, उम्मीद है, कयास है, अंतिम रूप नहीं है कुछ भी। अंतिम रूप आएगी तब पता चलेगा कि कितने बादल छट गए, कितनी धूप खिली है, पूस की रात है कि बसंत बहार है, वो सब हमें अंतिम प्रारूप के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और विशेष अभी क्या कहूँ, धैर्य ही एकमात्र हमारा सहारा है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा अगर कुछ जरूरी होगा तो। फिलहाल के लिए अभी खबर इतना ही।